जिला प्रशासन ने जिले में 70,000 से 1,00,000 नए मतदाताओं का पंजीयन कराने का संकल्प लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त समीक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस दौरान मतदाताओं के फोटो सहित मतदाता सूची तैयार की जाएगी। मतदाता सूची को त्रुटि रहित रखना प्राथमिकता होगी। जिलाधिकारी यहाँ बचत भवन में मंगलवार को आयोजित पत्र परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2024 की तिथि को तय कर फोटो सहित मतदाता सूची तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 1 जून से विशेष कार्यक्रम आरंभ किया गया है जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूची एवं 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावे एवं आपत्ति स्वीकार की जाएगी। पत्र परिषद में उप जिलाधिकारी चुनाव मीनल करस्कर, उप जिलाधिकारी शिवराज पडोले मौजूद थे। 1 जनवरी 2024 तक जो युवक युवती 18 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं उनका मतदाता के रूप में पंजीकरण होगा। डॉक्टर इटनकर ने कहा कि प्रयास है कि कॉलेज में दाखिले के समय ही मतदाता पंजीयन भी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2024 के लिए स्पेशल समरी रिविजन्स का कार्यक्रम दिया है जो मैंने आपके साथ हमने शेयर किया है। इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योर फॉर्म में रहे। जैसे कि जो जिनका देहांत हुआ है उनको डिलीट करना है, जो 1 जनवरी 2024 को 18 साल के हो जाएंगे उनके मैक्सिमम लोगों के, नागपुर ज़िले के लोगों के नाम उस मतदाता यादी में हमको ऐड करना है। और कुछ लोगों के फ़ोटो में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के फ़ोटो ब्लर्ड है, फिर उसके बाद हमको मैक्सिमम ट्रांसजेंडर्स को इसमें इनरोल करना है, मैक्सिमम दिव्यांगजनों को हमको इसमें इनरोल करना है। ये सब करके 1 तारीख को जो पब्लिश होएगा फाइनल ड्राफ्ट 5 जनवरी 2024 को, उसके लिए हमको आज से ही अगले 6-7 महीने की तैयारी करना है। मेरा आपसे विनंती है कि आप मीडिया के माध्यम से जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके पास तक आप पहुँचिए और इलेक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके हमारे नागपुर ज़िले की मतदार यादी मैक्सिमम प्योर फॉर्म में हो इसका प्रयत्न हमने करना चाहिए। थैंक यू। एनबीसी न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।